आंखों में जो खो देना सिखाते हैं बच्चों को किस प्रकार, एक छोटी वीडियो पहले डाली थी, बच्चा अकेला कैसे कर सकता, अगर बच्चे दो तीन हो तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे, खड़े होकर स्ट्रेट कैसे लेनी है, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, खो दे देते हैं, जहां तो बैठते नहीं रिसीवर बिना बैठे खो ले लेता है, जैसे खो किया है दोबारा रिसीव करता खो जब वो किसी से, तो खड़ा रहता कई बार, एक तो ये त्रुटि करते हैं बच्चे। दूसरा, बच्चे रनर के अपोजिट साइड भाग लेते हैं या पहले से बाहर आ जाते हैं, वो क्रॉस लाइन से अगर बाहर आते हैं, क्रॉस लाइन से बाहर आते हैं, क्योंकि स्ट्रेट नहीं लेते तो उनको एक साइड जाना होता है, फरीजों से पहले मुड़ नहीं सकते, तो किस प्रकार खो की प्रैक्टिस कराएं बच्चों को। प्रॉपर बैठो दोनों, स्ट्रेट लेकर दौड़ना कैसे, कवर कैसे करना है। मान लो रनर सामने हैं तो किस प्रकार स्ट्रेट लेनी है वो सिखा रहे हैं। तो रनर किसी भी साइड जा सकता है, पैर बार ना करें, स्टेप अप तभी करें तो क्रॉस लाइन से, जब आप शोर और अंदर कौन सी साइड गए दोबारा देखेंगे। चल जाएगा ठीक है, तो इस प्रकार रनर को टच दें, स्ट्रेट लें। अब ये बच्चा थोड़ा गलती करगा, ये पूरा शफल नहीं करके गया, तो रनर किसी भी दिशा में जा सकता है, इसलिए खो मिलने के पश्चात उसी दिशा में जाएं जिधर रनर है। अगर रनर थोड़ा सामने है, स्ट्रेट है, लंबा दौड़ रहा है, रनर दूर दौड़ रहा है क्रॉस लाइन से, सेंटर लाइन से दूर दौड़ता है, तो आप रनर को स्ट्रेट के द्वारा ही कवर कर सकते हो। पहले आप क्रॉस लाइन से बाहर आकर आप रनर को कवर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये छोटी सी वीडियो खो की, किस प्रकार खो देना है, खो किस प्रकार बनाते हैं, तो ये आपने देखा।